कहता है एक वायर है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया और करंट, चलो एक वायर है इसकी अपनी लेंथ दिया हुआ है प्यारे बच्चों, एक वायर है इसका लेंथ दिया हुआ है वो 50 सेंटीमीटर ऑलरेडी हम लोग को मेंशन है पहले से ही। अब की एरिया क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर पहले से दिया हुआ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें जो करंट है वो 4 एम्पियर फ्लो हो रही है इस वायर में, कनेक्टेड टू 2 वोल्ट बैटरी। तो इस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट भी कर दो, चलो इस वायर को प्लस माइनस 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दो, वो जो कि है 2 वोल्ट है, ठीक है। तो इस वायर की रेजिस्टिविटी निकालनी है, रो निकालनी है। तो अगर रो का फार्मूला देखोगे, ये वायर है तो इसके पास अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा यार, यहाँ पे इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपान A। तो अगर मुझे रो चाहिए तो R A और L चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टिविटी निकालने के लिए मुझे रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो जब बैटरी इतनी है और ये बैटरी करंट सेंड कर रही है 4 एम्पियर, तो ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस निकल जाएगा V इज इक्वल टू IR। तो R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी V अपान I। तो भी पहले से ही है 2 वोल्ट और करंट है 4 एम्पियर, दैट इज हाफ ओम, दैट इज 0.5। तो 0.5 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। तो रेजिस्टिविटी जो आ जाएगी, रेजिस्टिविटी रो वो आ जाएगी 0.5 और लेंथ भी 0.5, ठीक है। लेंथ एक्चुअली 50 सेंटीमीटर था तो 0.5 मीटर आ जाएगा, SI यूनिट में इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.5 मल्टीप्लाइड कर दूं एरिया क्रॉस सेक्शन, तो एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर है, तो 10^-3 का मीटर का स्क्वायर, तो ये कट गया और ये 10^-6 ओम मीटर, दिस इज द रेजिस्टिविटी। तो 10^-6 दैट इज बी ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, जितना पढ़ा दिया हूँ, जितना मतलब